कल कल कितना कल करते हैं हर पल, कब आएगा ये कल? क्या हम सब आप मिलकर इसी तरीके से अपने सपनों को, अपने कामों को, अपने गोल्स को, सबको कल पर टाल देते हैं कि पढ़ाई वो तो हो जाएगी, अभी तो पेपर बहुत दूर है, यूट्यूब पे वीडियो अभी तो पूरा संडे पड़ा है, पूरा हफ्ता पड़ा है, कर देंगे अपलोड, कर लेंगे प्लान, काम करना है, कोई बात नहीं, अभी तो यार डेडलाइन बहुत दूर है। और इसी तरीके से कर करके हम अपने अपने जो सपने होते हैं वो कल पर टाल देते हैं। और अगर देखा जाए तो जब वो कल आता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया होता, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हमारे खराब आते हैं उस पर हम बैठ के रोते हैं कि मेरे रिजल्ट्स इतने खराब आए हैं। तो आज हम जिस बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास पूरी जिंदगी नहीं है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। हमें खुद भी नहीं पता चलेगा कि कब हमारा लाइफ का दी एंड वाला पीरियड आ जाएगा और हमारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, और हम लाइफ के एंड वाले पीरियड में हमेशा रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने उस टाइम वो कर लिया होता। तो क्यों ना हम कल पर टालने की जगह वो काम आज ही ना करें, क्योंकि हमारे आज से ही हमारा बेहतर कल बनेगा। तो आज जो मैं आपके लिए बुक लेके आई हूँ उसका नाम है डू इट टुडे, जो कि लिखी है डेरियक्स फॉरू ने, और वो एक ऑथर, पॉडकास्टर, बिजनेसमैन और एंट्रप्रेन्योर हैं, जिनके बारे में मैं बताऊं, ही इज़ वेरी सिंपलिस्टिक पर्सन। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि थिंक स्ट्रेट, डू इट टुडे, और भी बहुत सारी बुक्स जो कि बहुत सिंपल वे में लिखी गई हैं और बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वो देते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इस बुक में क्या है। तो डेरियक्स फोरू की लिखी हुई ये बुक डू इट टुडे बात करती है हाउ टू बीट प्रोकेस्टिनेशन, हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड हाउ टू अचीव द मीनिंगफुल थिंग्स इन लाइफ। ये जो बुक है इसके अंदर 135 पेजेस हैं। इसके अगर जॉनरा की बात करें हम, तो ये नॉन फिक्शन है जो कि प्रोडक्टिविटी और प्रोकेस्टिनेशन के ऊपर बात करती है। इस बुक की जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी सिंपल, और ये जो बुक है ये 40 आर्टिकल्स को मिलाकर लिखी गई है। जो ऑथर हैं वो अपने ब्लॉग्स में आर्टिकल्स लिखते हैं अपने न्यूज़ लेटर्स के अंदर, तो उन्हीं आर्टिकल्स को क्लब करके ये बुक बनाई गई है एक ऑर्डर के अंदर। और आप ये देखोगे कि ये बुक इतनी अच्छी है, जब आप पढ़ोगे कितनी सिंपल, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बुक कब में कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि मेन इस बुक में क्या बात की गई है, तो प्रोकेस्टिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके बताए गए हैं जो हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ऑथर की इस बुक के अंदर वो ये थी कि उन्होंने लिखा है कि नॉलेज इज़ यूजलेस विदाउट एक्शन, कि हमें पता तो बहुत कुछ होता है, हाँ, मुझे पता है, मुझे मत सिखा, पर हम अप्लाई कितना करते हैं, पता तो हमें बहुत कुछ है लेकिन उसे एक्शन में कभी भी लेकर नहीं आते। प्रोडक्टिविटी क्या है और प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बूस्ट किया जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती हैं, उसके बाद बात आती है कि हमारी लाइफ में बहुत सी मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं, उनको हम कैसे अचीव करें और अपने लाइफ को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल बनाएं। तो बात यह आती है कि इस बुक के अंदर फोकस एरिया क्या है जिस पर कि ऑथर ने बात की है। सबसे पहला, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, जो भी आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में मैटर नहीं करती, उनसे आपकी लाइफ में कुछ अचीव नहीं होगा, उनको एलिमिनेट करके साइड में कर दीजिए, और सिर्फ जो चीज़ मैटर करती हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे चीज़ें हैं, चाहे गोल्स हैं, कुछ भी जो चीज़ आपकी लाइफ में मैटर करती हैं उस पर ही फोकस करिए सिंगल अनडेविएटेड अटेंशन के साथ। दूसरी चीज़ आती है कि देयर आर एवरीवेयर डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन हम ध्यान किस चीज़ पर दे सकते हैं, अपने अटेंशन और फोकस पर, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमें एंडलेस ब्राउजिंग को बंद करने की ज़रूरत है। हम बिना सोचे समझे अगर हम देखें तो बहुत से 90% लोग अपने फ़ोन पर हमेशा ग्लूड होते हैं, और वो हमेशा कुछ भी होता है, फ्री टाइम हुआ नहीं, हम बिना सोचे समझे अपना फ़ोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। बट व्हाई वी आर डूइंग दैट माइंडलेस ब्राउजिंग एंड हाउ इट कैन बी हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस। मैंने एक और चीज़ फोकस एरिया में देखी कि हमें कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत नहीं है कुछ मैजिकल अचीव करने के लिए, हम धीरे धीरे भी कंफर्ट जोन से निकलकर अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बात की जाए कि इस बुक में किसके ऊपर ज़्यादा बात की है, तो बताया गया है कि हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारी स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमें अपना गोल अचीव कराने में और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। एक और चीज़ जो कि ऑथर ने मेंशन की है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्रेक, कि ब्रेक भी उतना ही इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट है जितना
आपका काम करना। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आप अपने आप को बर्न आउट कर लेते हैं। तो ये कुछ फोकस एरियाज थे जो कि ऑथर ने बात की हैं, और आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब मैं ये बुक रिकमेंड किसको करूंगी, तो बुक तो वैसे सभी पढ़ सकते हैं क्योंकि हर बुक हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन ये बुक बेसिकली उन लोगों के लिए है जो प्रोकेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्यों हैम्पर हो रही है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और बहुत सी मीनिंगफुल चीज़ें हैं क्या और उनको अचीव कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बुक वो लोग अवॉइड कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और प्रोकेस्टिनेशन पे दूसरी और बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें छोटी 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 करके बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो आपने शायद उन बुक्स में कवर कर ली होंगी, लेकिन हर बुक हमें कुछ सिखाती है। तो आप इस बुक को वन गो में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी बुक है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन लगेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि बुक बहुत छोटी सी है, इसको आप अपने बैग में रख के कहीं भी जा सकते हैं, और इसके पेजेस भी बहुत कम है तो आप इसको 2-3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है इसकी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, प्रैक्टिकल टिप्स दिए हुए हैं इसके अंदर जो कि हम रियल लाइफ से अपने कनेक्ट कर सकते हैं डेली टू डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं या फिर आप ये मान सकते हैं जो बुक का कंटेंट है वो आर्टिकल्स के थ्रू है, तो आर्टिकल्स छोटे छोटे हैं कि आप बोर भी नहीं होंगे, एक आर्टिकल कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ोगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं अपने पर्सनल पॉइंट्स इसमें बात करूँ तो ये मुझे बुक बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं लगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं बताई हुई, ऊपर ऊपर से मोटी मोटी चीज़ें बताई हुई हैं, समझाया भी है, एक्सप्लेनेशन भी दिए, एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप जो बात होती है क्योंकि सब कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स में है। पर मुझे ये बुक बहुत सिंपल लगी, ईजी टू डू लगी, जो इसके अंदर टिप्स हैं वो हम अपनी लाइफ में बहुत आसानी से कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक बुक के अंदर बताई हुई हैं कि अगर हम उन्हें बिना बहुत डिटेल में पढ़े हुए हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है। शॉर्ट में बोला जाए तो ब्रीफ बुक है, सिंपल बुक है, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बुक है। तो मैं अपने फेवरेट कोट के साथ इस बुक रिव्यू को एंड करना चाहूँगी कि यू कैन अचीव एनीथिंग इफ़ यू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। जब हम सब चीज़ों को, मल्टीटास्किंग को ख़त्म करके सिर्फ एक फोकस करते हैं एक ही चीज़ पर, तो हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ। और कभी भी अच्छा टाइम, राइट टाइम कल नहीं आएगा, तो क्यों ना आज हम अच्छी शुरुआत करके आज से ही उसी काम को शुरू करें। तो अगर आपको मेरे बुक रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें, और इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जल्दी ही बहुत सारे बुक्स की समरी लेकर आने वाली हूँ, अगर आप उन बुक्स की समरी या आप कोई और बुक्स की समरी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।